गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ हिस्ट्री चैप्टर 3, दैट इज नाज़िम एंड द राइज ऑफ हिटलर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग, वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, दैट इज द डिवीज़न ऑफ रेशियल स्टेट. सो वी डिस्कस्ड देयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. सो द फर्स्ट और अपर क्लास रेसेस नॉर्डिक आर्यंस एंड द लोअर कास्ट race is the blacks. Yes, Jews were not only the community classified as undesirable. So Jews is not the was not the only community which is classified is undesirable as undesirable. Okay, तो so जो Jews थे सिर्फ वही ऐसे नहीं थे जिसको उनने undesirable बोला था हिटलर के अकॉर्डिंग रेसेस में. बाकी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो भी undesirable थी, यानी कि उस स्टेट में एज अ स्लेव वर्क करती थी, अपर क्लास में इंक्लूड नहीं होती थी. दे वर अदर Many Gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. So क्या होता था कि Gypsies जो होते थे वो दूसरे कंट्री के पीपल थे, और कन्फर्म नहीं है बट इनका, हाँ जहाँ तक माना जाता है इनने खुद के लिए खुद का जो ओरिजन है वो इंडिया से बोला है. बट हाँ, ऐसा कोई भी हिस्ट्री में हमारे पास प्रूफ नहीं है जिसमें हम इनको बोल सकें कि ये पर्टिकुलरली इंडिया से ही थे. तो ये वो पीपल थे जो दूसरे कंट्रीज से होते थे, ठीक है. एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी, और जो ब्लैक्स होते थे नाजी में उनको भी रेशियल इन्फीरियर यानी कि रेसिस के बेस पे कम माना गया था. इसलिए उनको कंट्री में रहने के लिए, कौन सी कंट्री में, जर्मन कंट्री में रहने के लिए इन्फीरियर माना गया था, मतलब उनको अनडिज़ायरेबल माना गया. और जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल माना गए थे बायोलॉजिकल प्योरिटी के साथ, उनको माना था सुपीरियर आर्यन. दे वर वाइडली परसुएटेड, और वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा परसुएटेड होते थे. परसुएटेड हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी नहीं होती थी, ठीक है, जो सुपीरियर आर्यन होते थे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की अवेबिलिटी होती थी अच्छे से, एंड दे वर कंसिडर्ड एज डिज़ायरेबल. तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पॉवर्टी के आसपास भी नहीं होते थे. इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हैंस अंडरजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी. सो जितने भी परसुकेटेड होते थे, परसुकेटेड यानी कि वो लैंडलॉर्ड्स जो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे, तो रशियंस और जितने भी पोल्स यानी पोलैंड के जो पीपल होते थे उनको भी सब ह्यूमन कैटेगरी में डाला गया था और अनडिजर्विंग माना गया था जर्मन में रहने के लिए. व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर. मैनी ऑफ दैम डाइड सिंपली थ्रू हार्डवर्क एंड स्टार्वेशन. सो क्योंकि जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे वेस्टर्न साइड से, और कुछ उसने ईस्टर्न साइड से अटैक किया था इंग्लैंड एंड रशिया की साइड, तो उसको रशिया का कुछ पार्ट जब उसने अपने अंडर में ले लिया था, तो वहाँ के सिविलियंस को भी स्लेवरी करने के लिए यानी गुलामी करने के लिए फोर्स किया जाता था. और इसी कारण से वो मेहनत करते करते, लेकिन फिर भी उनको जो उनके हार्ड वर्क के वेजेस होते थे, जो उनके पर्टिकुलर वेजेस होने चाहिए थे डिजर्विंग, वो नहीं मिलते थे, इसलिए वो स्टार्वेशन से, भूखमरी से मर जाते थे. Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. तो Jews जो थे वो सबसे ज़्यादा worst माने जाते थे, यानी जर्मन नाजी पार्टी थी जर्मनी की, और हिटलर थे वो Jews को सबसे कम माना करते थे. नाजी hatred of Jews had a precursor in the traditional Christianity hostility towards Jews. तो नाजी पार्टी जो थी, या हम कह सकते हैं कि जो नाजी पार्टी के लीडर थे हिटलर, दोनों ही जो ज्यूज थे उनसे हेट करते थे सबसे ज़्यादा. और ऐसा प्रिस्कर माना कर उनके ऐसा मान रखा था, ऐसी अपनी सोच कर रखी थी कि जितने भी क्रिश्चियनिटी होती हैं वो उनके ज्यूज के कारण क्या होगी, सारे में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो जाएगी. तो इसलिए वो उनको सबसे ज़्यादा हेट्रॉइड करते थे और सबसे ज़्यादा लोअर क्लास कंसिडर कर रखा था जर्मनी में. दे हैड बीन सेट्रोपाइड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स. यूजर्स में क्या आएगा कि वो मनी लैंडर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है. तो क्या हो रहा था इस समय कि
जो क्राइस्ट थे, तो इन लोगों को और ज़्यादा कम करने के लिए, यानी जो क्रिश्चियनिटी थी उसको और ज़्यादा कम करने के लिए उन लोगों ने क्या करा था कि जो लैंड होते थे उस पर जो लोन्स होते थे लैंड का, वो चाहे वो मनी का हो, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अनटिल मेडाइवल टाइम्स ज्यूज वर बेर्ड फ्रॉम ओनिंग लैंड, और इस कारण से क्या हुआ था कि जितने भी ज्यूज थे वो सब लैंडलेस हो गए थे। दे सर्वाइव कब तक, मेडाइवल तक। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, और अब वो किस तरीके से अपना सर्वाइव करते थे, या तो ट्रेड करते थे, कोई व्यापार करते थे, या फिर मनी लैंडिंग, मतलब दूसरों से उनकी मनी ले लेके अपना गुजारा चलाते थे। दे लाइव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटो, उनके एक अलग से एरियाज था जिसको अलग से एक नेम दिया गया था, घेटो उसके नाम से जाना जाता था। दे वर ऑफन परसुएटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम दी लैंड, और उनका सबसे बड़ा क्या काम हो रहा था इस समय कि उनके साथ जितना भी वो पीरियड था उस समय पे बहुत ज़्यादा वायलेंस यानी कि हिंसा की गई थी, उनको एज अ रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और उनके एरिया में भी। हाउ एवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वॉज बेस्ड ऑन सीडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस विच हेल्ड दैट कन्वर्सेशन वॉज नो सॉल्यूशन टू द ज्यूइश प्रॉब्लम, और हिटलर जो था वो हेट करता था ज्यूज से, पर क्यों करता था, क्योंकि अगर हम एक सीडो साइंटिफिक थ्योरी देखें और अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो थ्योरीज ऑफ रेस है, तो थ्योरीज ऑफ रेस के अकॉर्डिंग जो वाइट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा उन्हें हाई, और एज सच कंपेरिजन तो नीचे तक आते आते वो ब्लैक्स पे आते हैं, ठीक है, अपर क्लास से जब नीचे तक आते हैं लोएस्ट तक, तो फर्स्ट पे वाइट्स एंड देन ब्लैक्स तक आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को जानने के बाद उनने जो ज्यूइश पीपल थे, ब्लैक्स जो होते थे, उनसे हेट्रेड करा था, जिसको हमने किस नेम से जाना है, इस प्रॉब्लम को बोलते थे द ज्यूइश प्रॉब्लम। इट कुड बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, और इसका सॉल्यूशन यही था कि वो पूरी तरीके से ज्यूइश पब्लिक को हटाना चाहते थे अपने किंगडम से। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरोराइज्ड, और फिर क्या हुआ था कि 1933 से 1938 के बाद में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है, जब नाजीज को पूरी तरीके से टेररिस्ट कर दिया था, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, तो मतलब उनको इतना ज़्यादा फोर्स मजबूर कर दिया था नाजी पार्टी ने कि उनको जर्मनी, और जो जर्मनी के अंडर में, या कह सकते हैं जर्मनी की जहाँ पे कॉलोनीज थी वहाँ, वो रीज़न छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945 एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और कुछ को तो जिनने नहीं छोड़ा, तो 1935 से 1945 के बीच में उनको जो गैस चैम्बर्स होते थे उस पोलैंड के, वहाँ मारा गया था, ठीक है। और ये वो पीरियड है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल हाई टाइम पे था, बिल्कुल पीक पे था। द रेशियल इथोपिया अंडर द शेडो ऑफ द वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डर्स रेशियल आइडियल, सो इस वॉर के शेडो में, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, जो जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जब तक एंड हुआ, ठीक है, क्योंकि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद इंटर वॉर पीरियड था, और 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल हाई पीक पे था। और सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, जब इन लोगों जर्मनी ने जापान के साथ मिलके और इटली के साथ मिलके पोलैंड पे अटैक किया था, वहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सो अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डर्स रेशियल आइडियल जेनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो क्या होता था, अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ रेशियल बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, यानी कि लोगों को मार रहे थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, तो अब क्या होने लगा था कि जो पोलैंड उनने ऑक्यूपाई करा था, ज़बरदस्ती अपनी जर्मनी की टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया था, मर्ज कर लिया था उसको, वो अब डिवीज़न होने लगे थे उसके। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी, और ज़्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का, वो जर्मनी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं कर रहा था, तो वो उससे बाहर आ रहा था, एनेक्स मतलब उसे फ्री होना चाह रहा था। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज
बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। और पोल्स यानी पोलैंड के जो सिटीजन्स होते ही थे, जो पोलैंड के लोग होते थे, उनको फोर्स करा जाता था, मतलब उनको मजबूर करा जाता था कि वो अपने घर को छोड़ जाते थे, अपनी प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को जो एथिक जर्मन्स यानी जो आर्यंस थे, सुपीरियर आर्यंस या हम कह सकते हैं नॉर्डिक आर्यंस, ले लिया करते थे। पोल्स वर दैन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। और फिर क्या कर रहे थे वो लोग, जब वो लोग वहाँ पे रहने लगते थे तो वो कुछ एनिमल्स को हर्ड करते थे, मतलब अपने पास कुछ एनिमल्स रखते थे जो, तो उसको क्या नाम दिया गया था, उस पार्ट को पूरे को जनरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया था। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। और किसका डेस्टिनेशन माना गया था, वो सारे अनडिज़ायरेबल लोग जो कि एम्पायर में रहने लायक नहीं हैं। मेम्बर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंस वर मर्डर्ड इन अ लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। तो क्या होता था कि जब मेंबर्स जो थे पोलिश के यानी पोलैंड के, तो वहाँ के लोगों को डायरेक्ट उनका मर्डर किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो नहीं, वो अनडिज़ायरेबल मानते थे उनको, वो मानते थे कि ये जर्मनी जर्मन में या जर्मन की जो भी टेरिटरी है उसमें रहने लायक नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कर दिया गया था कि उनको सीधा उनका मर्डर कर दिया जाए। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड एक्सक्लेम्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स। सो क्या किया जाता था कि अगर पोलैंड के कोई बच्चे चिल्ड्रन जो होते थे, अगर कुछ बच्चे पॉलिश चिल्ड्रन, क्यों बोला गया, यानी कि वो लोग पोलैंड के जो थोड़े वाइट्स होते थे, तो जितने भी वाइट चिल्ड्रंस होते थे उनको क्या कर लिया जाता था कि उनसे स्नैच कर लिया जाता था, मतलब छीन लिया जाता था। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस, जो आर्यंस जैसे दिखते थे, उनको स्नैच कर लिया जाता था, उनकी मदर से छीन लिया जाता था और रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाया जाता था। इफ़ दे पास्ड द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेंगन्स वर नॉट पेरिश्ड। सो क्या होता था कि जब भी रेस टेस्ट वो देते थे, रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाया जाता था जो पॉलिश चिल्ड्रन यानी जो आर्यंस की तरह दिखते थे उनको, और जब वो रेस टेस्ट को पास कर लेते थे तो उनको जर्मन फैमिली में सेंड कर दिया जाता था। और अगर वो उसको पास नहीं कर पाते थे तो क्या भेज देते थे, उन्हें अनाथालय में भेज दिया करते थे, ठीक है, वेयर मोस्ट पेरिश्ड, जहाँ पे उनको ज़्यादातर या तो वो उनकी डेथ हो जाती थी या उन्हें वहाँ से भी हटा दिया जाता था। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड इन द एज द किलिंग फील्ड्स ऑफ द ज्यूज। तो जितना भी जो एरिया था अनडिज़ायरेबल पीपल का, जिसको गेटोज का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो उनको क्या किया जाता था, वो सबसे बड़े प्रॉब्लम के जो शिकार हो रहे थे, जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम दे रही थी, वो थी गैस चैम्बर्स, जिनसे लोगों की डायरेक्ट डेथ हो रही थी। और एक वो जनरल गवर्नमेंट वाला एरिया था जिसमें डायरेक्ट लोगों का मर्डर किया जाता, सर्व एज टू किलिंग फील्ड्स फॉर दी ज्यू, या फिर उनके पास इतना वर्क होता था कि वो अपना वर्क करते करते ही मर जाते थे। स्टेप्स टू डेथ स्टेज वन एक्सक्लूजन 1933 टू 1935, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। सो फर्स्ट स्टेप जो था 1933 से 1939 के बीच में लिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि आर्यंस के बीच में या जर्मनी में दूसरे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। द नंबर लॉस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सेप्टेंबर 1935, फर्स्ट ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। सो ये कुछ हम देख सकते हैं रूल्स थे जो सबको फॉलो करने पड़ते थे, जैसे कि जो जर्मन के लोग होते थे सिर्फ वो ही सुपीरियर माने जाते थे, उन्हीं को जर्मन सिटीजन माना था, ठीक है। जो मैरिजेज होती थी ज्यूज और जर्मन, वो बिल्कुल बंद हो गई थी, और अगर कोई कर भी लेता था तो उसको एज अ क्राइम माना गया था, और ज्यूज को ये बिल्कुल राइट नहीं था कि वो जर्मन के नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकें।
नेक्स्ट अदर लीगल मेजर्स देखेंगे और कौन कौन से मेजर्स थे. बॉयकॉट ऑफ ज्यूइश बिजनेस, कि ज्यूइश बिजनेस को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, मतलब उनके बिजनेस से ना जर्मन कुछ लेंगे ना वहाँ कुछ देंगे. एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में इंक्लूड नहीं किया जाता था. फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फेशन फॉर देयर प्रॉपर्टीज, और उनको फोर्स करा जाता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें और ये कन्फेस कर दें कि उनकी प्रॉपर्टी जर्मन को मिलती है. बिसाइड्स ज्यूइश प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउसेज अटैक, सिनोगोज बर्नड एंड मैन अरेस्टेड इन अ पोग्रोम इन नवंबर 1938, रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम है जिसमें क्या हुआ जाता था कि अगर वो ज्यूइश प्रॉपर्टी को कोई अगर सेल नहीं करना चाहता था, उससे ज़बरदस्ती उसकी ले ली जाती थी और उस इंसान को कई बार जिंदा भी जला दिया जाता था, या फिर हम ये कह सकते हैं अरेस्ट कर लेते थे. नेक्स्ट फिगर हम देखेंगे, स्टेप टू गेटोइजेशन. गेटोइजेशन यानी जो उनका एरिया था सिर्फ उसी में लिमिटेड रहना था उन्हें. ये कब हुआ था, 1940 से 1944 में. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, और इसमें भी क्या था कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि वो उनके बीच में, मतलब कि जर्मन्स के बीच में रहते. From September 1941, all the Jews had to wear a yellow star of David on their breast. So, उनको एक हमें जर्मन, मतलब जो दूसरे लोग होते थे जर्मन के सिवा, उनके लिए कंपलसरी हो गया था September 1941 से कि उनको एक येल्लो स्टार हमेशा वियर करना होगा अपने साथ. This identity mark was stamped on the passport, all legal documents and houses. और जितने भी उनके identity mark होते थे, यानी identity cards होते थे या कोई भी passport हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट हुआ, उस पर उनके लिए अलग से मार्क होता था. दे वर कैप्ट इन ज्यूइश हाउस इन जर्मनी, और उनको ज्यूइश हाउस में ही रखा जाता था, इन गेटो लाइक लुट्ज एंड वर्सॉ इन द ईस्ट. ठीक है, दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी. ज्यूइश हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ गेटो. सून द गेटोज वर बीमिंग विद हंगर, स्टारवेशन एंड डिजीज ड्यू टू डेप्रीविएशन एंड पुअर हाइजीन. तो क्या होता था कि उनके एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, जो एरिया होता था वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक होता था, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और जो उनकी सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज़ होती थी वो भी पूरी नहीं होनी थी. स्टेप थर्ड, एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, यू हैव नो राइट टू. सो अब जैसे जैसे ईयर्स वहाँ आगे होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, सो वहाँ की जो कंडीशंस थी वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी. Jews from the Jewish houses, concentration camps and ghettos from the different parts of Europe were brought to death factories by good trains. So क्या किया जाता था कि जितने भी Jews लोग होते थे उनको उन्हीं के घर से निकाल के या तो किसी concentration camp में, या जो उनका ये ghetto वाला area था, मतलब कि जो बिल्कुल undeveloped था या undesirable people के लिए था, undesirable citizens के लिए था, उनको क्या किया जाता था इस समय पर, were brought to death factories by good trains. जो सामान वाली, जिसे हम बोलते हैं ना, मतलब लोडिंग ट्रेन जो होती है, उससे उनको डेथ फैक्ट्रीज तक लाया जाता था. इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली पैल्स ऑस्ट्रिट्स, सुबोई, ट्रिबिल्का, चेल्मो एंड मेजडंक, दे वर चार्ज इन गैस चैम्बर्स. मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन. क्या होता था, तो गैस चैम्बर में जब उनको ले जाके मारा जाता था तो ना उनकी कुछ सुनी जाती थी, ना उनको कोई इसमें मतलब हम कह सकते हैं कोई भी उनको मतलब टाइम नहीं दिया जाता था कि वो किसी भी तरह खुद को सेव कर लें. विद इन मिनट्स उनको मार दिया जाता था. सो फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूथ इन नाजी जर्मनी, वी विल स्टार्ट दिस इन अनादर वीडियो. थैंक यू.